बीते 9 सितंबर को वेलकम 3 अनाउंस की गई। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, रवीना टंडन, संजय दत्त समेत 25 एक्टर्स हैं। ओएमजी 2 को छोड़ दें तो अक्षय की पिछली कुछ फिल्में चली नहीं, ऐसे में उन्होंने वो सफल फिल्में पकड़ी जो उन्हें गेम में टॉप तक लेकर गई। हेरा फेरी, वेलकम और आवारा पागल दीवाना जैसी फिल्में अक्षय इन सभी फिल्मों के सीक्वल ला रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय की वजह से ही हेरा फेरी 3 और वेलकम 3 पटरी पर चढ़ गई है। रिपोर्ट में कोट किए गए सूत्र ने बताया, अक्षय कुमार बहुत दुखी थे जब उन्हें मालूम हुआ कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन उन्हें रिप्लेस करने वाले हैं। उन्होंने फैंस और मीडिया वालों के रिएक्शन पढ़े, तय किया कि वो फिरोज नाडियाडवाला से अपने सारे मतभेद सुलझाएंगे और फ्रेंचाइजी में वापस लौटेंगे। उन्होंने ऐसा अपने फैंस के लिए किया जो उन्हें राजीव और राजू के रोल में देखना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिरोज नाडियाडवाला की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, अक्षय को यह बात पता थी। वो ये भी जानते थे कि वेलकम 3 और हेरा फेरी 3 में बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की क्षमता है। अक्षय ने दोनों फिल्मों के लिए अपनी फीस छोड़ दी, वो फीस में एक रुपए भी नहीं लेंगे। हालांकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, अक्षय जानते हैं कि ये बड़ी फिल्में हैं इसलिए वो प्रॉफिट शेयरिंग वाले रास्ते पर उतर रहे हैं, यानी फिल्म से पहले निर्धारित फीस नहीं लेंगे लेकिन फिल्म जितनी कमाई करेगी उसका कुछ हिस्सा लेकर जरूर जाएंगे। सुपरस्टार्स इस मॉडल पर फिल्में बनाते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय का काम सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए स्टूडियो से बातचीत शुरू की, व्यक्तिगत तौर पर जियो स्टूडियोज के लोगों से बात की और उन्हें फिरोज के साथ साझेदारी करने के लिए मनाया। सूत्र ने आगे बताया, जियो के आने के बाद एक तीर से 3 निशाने हो गए, फिरोज अपने कर से बाहर आ जाएंगे, फ्रेंचाइजी फिर से शुरू हो जाएंगी और अक्षय को अपना मुनाफा जियो से मिलेगा। अक्षय ने फिल्मों के लिए कोई पैसा नहीं लिया लेकिन फिरोज नाडियाडवाला ने अपनी तरफ से उन्हें 9 करोड़ रुपए के 2 चेक जरूर दिए। ऐसा सिर्फ एक अच्छे जेस्टर के तौर पर ही किया गया। वेलकम 3 की शूटिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है, उसके बाद 2024 में हेरा फेरी 3 फ्लोर पर आएगी। जल्दी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो सकती है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने, मेरा नाम है सोनल। सिनेमा से जुड़े तमाम अपडेट्स लेने के लिए आप ललन टॉप सिनेमा पर आते रहिए। शुक्रिया।